आज हम करेंगे पोटेंशियोमेट्री से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर आंसर और लॉन्ग के बारे हमारीस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी आपके यूनिट वाइज जितने भी आपके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एज पर योर एग्जामिनेशन चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो अगर आप ये क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिट में से इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने से मिल सकते हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में और मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा जैसा कि आप जानते हैं ये एक वीडियो सीरीज जो मेरी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए हमने एक एक करके सारे के सारे पहले यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं आप वो सारे के सारे वीडियो देखने के लिए मेरे प्ले में जाके चेक कीजिए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस के के रिलेटेड में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसके बाद हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की जो कि यूनिट वाइज हमने शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर स्टार्ट की देखिए शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर स्टार्ट करने का आप अपना एम जो था वो ये था कि ये अगर क्वेश्चन आप एक बार अटेंड कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टॉपिक में से कौन कौन, -कौन से क्वेश्चन बनते हैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देने की और मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में जो पोटेंशियोमेट्री आज हम डिस्कस करेंगे उसके एंड में आपको पोटेंशियोमेट्री का जो सेपरेट हमने डिस्कशन किया है वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको Easy easy to to understand. understand. Our first aim is तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यहाँ पे आपको only not only for B Pharma First Semester Pharmaceutical Analysis, Pharma से related सारे के सारे information और awareness मिलती रहेगी तो अगर आप मेरे channel पर नए हैं प्लीज तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड को जो कि यहां पे फार्मेसी कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना हमारा कौन सा है पोटेंशियोमेट्री सर पोटेंशियोमेट्री जो है वो यूनिट फाइव में से तीसरा टॉपिक है मतलब यूनिट फाइव में आपने हमारे कौन कौन से टॉपिक है सर इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में हमारे फर्स्ट है कंडेक्टोमैट्री सेकंड पोटेंशियोमेट्री और थर्ड इज पोलोग्राफी अब जैसा कि हमको याद आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स में हमने पढ़ा था कि सर बेसिकली दो टाइप की टेक्निक है पहली है इंस्ट्रूमेंटल और दूसरी है नॉन इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंटल में सर हमने टाइट्रेशन पढ़ा एसिड बेसॉक्स टाइट्रेशन

पहला क्वेश्चन पे आ रहा है what is the potentiometry? Potentiometry क्या है? है, सर, ये एक ऐसी electrochemical analytical technique है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिटरमिनेशन कर सकते हैं रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सॉरी यहाँ पे कैमरा होता है चलिए नीचे थोड़ा सा समझा देते हैं. Yes. तो सर जिसे भी किसी भी जैसे हमने पढ़ा था कंडक्टोमेट्री में किसी भीशन कर रहे थे हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की हेल्प से मतलब सर अगर किसी सोल्यूशन का पीएच जो है अगर इजी अंडरस्टैंड वे में हम देखें अगर कोई सोल्यूशन है मेरे पास उसका मुझे पीएच एच डिटर्मिनेशन करना है तो मैं पोटेंशियोमेट्री की हेल्प से उसका पीएच डिटर्मिनेशन कर सकता हूं ठीक है उसी इंस्ट्रूमेंट को मैं पोटेंशियल मेट्री बोलूंगा तो बेसिकली पोटेंशियोमेट्री में होता क्या है भैया कि ये होता है सर दो इंडिकेट दो इलेक्ट्रोड होते हैं एक रेफरेंस है जिसका कि मुझे पोटेंशियल पता है दूसरे का मुझे पोटेंशियल पता नहीं है और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस सॉल्यूशन के कारण उसी कोई डिटर्मेशन डिटर्मिनेशन कर लेता है और उसी को डिटर्मिनेशन करने पे हमको रीडिंग पता चल जाती है और रीडिंग पता चलने से हमारे पास आंसर आ जाता है तो कुछ यही पोटेंशियो मैट्री है और भी इस लैंग्वेज और वेब सिस्टमैटिक आप अगर उस टॉपिक को अच्छे से देखने जाते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको पोटेंशियो मैट्री जो हमने डिस्कस की है वहां पर जाके आप देख सकते हैं और कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं डिफाइन द नर्सनेट इक्वेशन इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जामिनेशन एंड योर कंपटीशन एग्जामिनेशन कई बार क्वेश्चन आता है पोटेंशियल मेट्री में आती है नर्सनेट इक्वेशन चलिए डिस्कस कर चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन क्या है डिफाइन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड गिव एग्जांपल कौन कौन से सा है इलेक्ट्रोड ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे इसमें आएंगे question, right? उसके बारे में आपको बताना है चलिए ये तो बात हो गई हमारे शॉर्ट एंश्योर ऑन क्वेश्चन की नेक्स्ट में बात करूंगा लॉन्ग एंशोर के बारे में जिसका की वेटेज भी ट्वेंटी मार्क्स का रहेगा लॉन्ग आंसर के तीन क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आपको दो अटेंड करने रहते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है देखिए सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है यहां पे कि राइट डाउन तो, लॉन्ग नोट ऑन द पोटेंशियोमेट्री नेक्स्ट एक्सप्लेन देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन पोटेंशियोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने टाइप के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से तीन टाइप के

नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव एक्सप्लेन द डिफ्रेंट टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्री टाइटिशियन के बारे में बताया है स्ट्रॉ एसिड्रॉग बेस वीक एसिड वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉग बेस और स्ट्रॉंगस करना है और एट लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन बता है पोटेंशियोमेट्री टाइटिशन इतने साइप के सारे के सारे क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमेट्रिक से बनने वाले हैं इससे बार कुछ नहीं जाने वाला है पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है पोटेंशियोमेट्रिक दूसरा नर्सनेट इक्वेशन क्या है तीसरा इसके इलेक्ट्रोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं विद एग्जांपल विद डायग्राम याद कर लो और नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन एक्प्लिकेश, याद कर लो इसी के साथ आपकी पोटेंशियोमेट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी ओके चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें मैं पूरी कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन देने की और कोई स्टूडेंट का मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए देखिए पीडीएफ का ऐसा है कि मैं हरेक टॉपिक का एक पीडीएफ डी बना के उसको फिर अपलोड करता हूँ उसको फिर मैं स्टोर करके नहीं रखता हूँ या फिर मैं उसका हरेक का पूरी बुक का पीडीएफ डी नहीं है मेरे पास मेरे पास हार्ड कॉपी में है तो उसको एक पी करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ठीक है अगर आपको सारी पी चाहिए तो आप एक बार सारे के सारे वीडियो लिस्ट में देख लीजिए पूरे के पूरे आपको आ, उसमें भी हेल्प मिल जाएगी

और अपने फ्रेंड को भेजें ताकि उनको भी हेल्प हो सके थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप सपोर्ट